साहिवाल से ही पहला तो इनका भैंस का था, और दूसरा सवाल जो इन्होंने किया वो भी देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, यह कि एक गाय है हमारी, वो बोलती तो है लेकिन वो हीट में नहीं आ रही, बार ठीक बार जल्दी हीट में आ जाती है, मतलब रहती नहीं है, रहती ठहरती तो नहीं जल्दी है। हीट में आ जाती है। इसका भी कोई इलाज बता दें। मेरा बेटा, उसका रहम का पहले इलाज कराएं, उसको 4 टीके लगाएं, 25-25 cc के लगेंगे PPSL लेके, और उससे इसका रहम में अगर कोई इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगी। जब वो ठीक हो जाए तो उसके बाद जब बोलेगी ना तो हीट में आएगी, इंशाल्लाह वो आती है लेकिन ठहरती नहीं है। तो जब भी आप हीट में वो आए तो 1 घंटा पहले डेलमार्लिन का इंजेक्शन लगवा देना 2 cc का, और उसके बाद उसके कुदरती मिलाप करा दें या उसमें बीज रखवा दें, इंशाल्लाह ताला वो ठहरेगी। और जूँ ही इसमें बीज रखवाएं या इसका कुदरती मिलाप कराएं तो 1 लीटर पानी में 1 पाव मेहंदी, नहीं होती जो हिना हाथों को लगाते हैं वो, 1 पाव मेहंदी और कोई उसके अंदर जौ खार, 1 छटांक जौ खार और 2-4 ये काफूर या मुश्कपूर की गोलियां वो डाल के, तो वो मेरा बेटा पिला दे इसको, इंशाल्लाह ताला वो ठहरेगी। ठीक है, दुआओं में याद रखें फी माल्ला। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस हदीस मुबारक पर। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर कोई जुल्म करे, ना उसे रुस्वा करे और ना ही उसे हकीर समझे। ये मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें फी माल्लाह।